हाय एवरीवन, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम अपना स्टार्ट कर दिया था और हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी हमने, है ना। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ। हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जिनका यूज हम कहाँ पर करते हैं, गिनती करने के लिए करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, आप कहाँ से गिनती शुरू करोगी पायल? अगर मैं कहूँ कि क्लास में गिनो कितने बच्चे हैं, एक सेकंड। एक से शुरू करोगे ना, एक दो तीन चार, जो जो नेचुरल रूप में हमारे मतलब हम जिनसे हम गिनती शुरू करते हैं तो उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे कभी भी आप ये नहीं कहोगे, अगर मैं कहूँ कि आपकी नोटबुक में कितने पेजेस है या आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आप कभी भी ऐसे नहीं कहोगे जीरो एक दो तीन चार। आप हमेशा एक से शुरू करोगे, है ना, एक दो तीन चार, तो वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। लेकिन फिर जब हमें जीरो की भी जरूरत पड़ी तो जीरो को हमने किसमें डाल दिया, पूर्ण संख्याओं में डाल दिया। बाकी सारी संख्याएं वही रहेंगी और जीरो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस दो माइनस एक, जब इसमें जो है जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हीं के माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या माइनस तीन दशमलव चार ये एक पूर्णांक है, यस और नो? नहीं है, वेरी गुड नीरज। बाकी बच्चे नहीं है, क्योंकि ये क्या है, दशमलव वाला नंबर है। हमेशा पूर्णांक में याद रखना, ना तो भिन्न आएंगे और ना ही क्या आएंगे, दशमलव वाली संख्याएं आएंगी। ना ही दशमलव वाली संख्याएं, ना ही भिन्न वाली संख्याएं, सिर्फ जो आपने अपनी प्राकृतिक संख्याएं लिखी है जीरो है और उन्हीं के माइनस वाले नंबर वो पूर्णांक में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी। परिमेय संख्याओं की क्या विशेषता थी, जो पी बटा क्यू के रूप में होती है, पी और क्यू वहां पर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और क्यू जीरो के बराबर नहीं होता। तो ये परिमेय संख्याएं थी, जैसे माइनस एक बटा दो, माइनस चार बटा तीन, जीरो, माइनस सात, माइनस नौ। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था तीन दशमलव चार, क्या ये परिमेय संख्या है आदित्य मैम? यस, है ना, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, चौंतीस बटा दस के रूप में लिख सकते हैं। क्या चौंतीस एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि हम इसे चौंतीस बटा एक के रूप में लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, सबसे पहले आप ये वाला सर्कल देखोगे, अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का है, इसमें केवल क्या है, एक दो तीन चार। अब इससे बड़ा वाला जो सर्कल है वो किनका है, पूर्ण संख्याओं का है। अब पूर्ण संख्याओं में केवल जीरो एक नया नंबर ऐड हुआ है, बाकी सारे पुराने वाले हैं जो प्राकृतिक संख्या के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है ना, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही है, आ रही है ना, यस और नो? हेलो बच्चों, यस और नो, है ना। फिर उसके बाद जब हम पूर्णांकों पे पहुंचे तो ये जीरो एक दो तीन चार, ठीक है, ये पहले से हमारे पास नंबर थे, सिर्फ पूर्णांकों में नया क्या ऐड हुआ, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ये सारे नंबर नए जुड़ गए। लेकिन जो पुराने वाले हैं वो पूर्णांक भी कहलाएंगे, जैसे जो है ना जीरो एक दो तीन चार, ये पूर्णांक भी कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं भी कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं भी कहलाएंगी। फिर और नए तरह के नंबर जुड़ गए तो ये परिमेय संख्याएं बन गई। तो जितनी भी आपने अभी तक ये वाली संख्याएं पढ़ी, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, ये सब किसके अंदर आएंगी, परिमेय संख्याओं के अंदर आएंगी। इन सारी संख्याओं को परिमेय संख्या भी कहा जा सकता है। तो जितनी भी संख्या भी आपको नजर आ रही है इन्हें आप परिमेय संख्या भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्यू के ऊपर छोटा सा सी बना के दर्शाया जाता है। अब होता क्या है, आप लोगों को याद होगा हमने पहले भी थोड़े से क्वेश्चन इस टाइप के किए थे, वर्गमूल के अंदर से बाहर जिसको आप नहीं निकाल सकते, जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी उसे अपरिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे वर्गमूल 16 है, वर्गमूल 16 का मान क्या होता है बच्चों, चार होता है, वेरी गुड। तो क्या वर्गमूल 16 जो है ये परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय है ना। जबकि अंडर रूट 3 को क्या आप अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हो, वर्गमूल के बाहर निकाल सकते हो? नहीं
नहीं निकाल सकते, तो ये अपरिमेय है। अंडर रूट 5 भी अपरिमेय है, अंडर रूट 12 भी अपरिमेय है, ठीक है, समझ में आया। अंडर रूट 9 क्या है, जबकि अंडर रूट 9 परिमेय संख्या है, समझ में आई, क्योंकि हम इसे 3 लिख सकते हैं। बस ऐसा समझ लो, जिसको सॉल्व करके आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो वो परिमेय, जिसको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय। समझ में आ गई बात। आदित्य, नीरज, ज्योति, सुमित, पायल, यस मैम, क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन चलो। अच्छा, परिमेय संख्याओं से रिलेटेड वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, अभी पहले ये समझ लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। जो कि आप नोट वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अब आपने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं, ठीक है, हमने पढ़ा परिमेय संख्या, और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या। ये दो संख्याएं पढ़ी है आपने। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, मतलब एक जगह रख दिया जाता है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। परिमेय अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे, जो आपके चैप्टर का नाम भी है, ठीक है। और इसे आप किससे दर्शाते हो, आर से, क्योंकि आप इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हो, रियल नंबर कहते हो, वास्तविक संख्याएं होती है। तो अगर मैं कहूँ क्या अंडर रूट 3 एक वास्तविक संख्या है, बच्चों यस और नो? ये वास्तविक संख्या है, ये अपरिमेय है, पर ये वास्तविक संख्या है ना। जैसे कि आपने ये क्या लिया, परिमेय संख्याएं ली, उनमें आपने अपरिमेय संख्याओं को भी इकट्ठा कर लिया, समझ लो आपने एक बॉक्स लिया। ऐसा उदाहरण मान लो, आपने एक ये बॉक्स लिया और इसमें पहले परिमेय संख्याएं डाल दी, उसमें अपरिमेय संख्याएं डाल दी उसी बॉक्स में। अब ये जो बॉक्स बन गया, इसको आपने क्या नाम दे दिया, इसको आपने रियल नंबर नाम दे दिया, इसको आपने वास्तविक संख्याएं दे दिया। या आप ऐसे कह सकते हो, आपके पास एक परिमेय संख्याओं का डब्बा था, एक अपरिमेय संख्याओं का डब्बा था, इन दोनों बॉक्स में से हमने सारी संख्याएं उठाकर इस वाले नए बॉक्स में डाल दिए और उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, उन्हें हमने वास्तविक संख्याओं का नाम दे दिया। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई सबको यहाँ तक बात, यस और नो? यस मैम। तो ये सारी की सारी किस प्रकार की संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब जैसे अगर मैं अंडर रूट 3 माइनस 5 की बात करूं, बेटा ये परिमेय है या अपरिमेय है? अंडर रूट 3 माइनस 5 जल्दी से बताओ, परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय है, वेरी गुड, क्योंकि अंडर रूट 3 है, वर्गमूल 3 है, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह 5 वर्गमूल 5, अपरिमेय अपरिमेय है, वेरी गुड। क्योंकि देखो, अगर ये अगर मैं इसी की जगह अंडर रूट 16 माइनस 5 लिखूं, अच्छा फिर क्या होगा, परिमेय अपरिमेय? अंडर रूट 16 माइनस 5 परिमेय अपरिमेय? बच्चों परिमेय परिमेय, वेरी गुड आदित्य, क्योंकि वर्गमूल 16 का मान 4 है, 4 में से 5 गया तो माइनस 1 बचा, माइनस 1 तो परिमेय संख्या है। आप इसे आगे सॉल्व कर पा रहे हो, आप इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख पा रहे हो, जबकि वर्गमूल 3 माइनस 5 को इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये अंडर रूट में ही रहेगा, है ना। तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय हो गई। इसी तरह 5 अंडर रूट 5 भी अपरिमेय हो गई, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 12 भी अपरिमेय हो गई। लेकिन ये सारी और कैसी संख्याएं हैं, हम इन्हें वास्तविक संख्याएं कहेंगे। कोई भी संख्या परिमेय हो अपरिमेय हो, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। कार्तिक, समझ में आया, आपने अभी ज्वाइन किया है, कार्तिक देवंती, आप दोनों का समझ में आया वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? फिर से बता देती हूँ मैं, देखो आपको पता है परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या को मैं यहाँ से बताती हूँ।
परिमेय संख्याएं पता है, अपरिमेय संख्याएं पता है। ऐसा समझ लो कि एक बॉक्स में आपके पास सारी परिमेय संख्याएं थी, एक में अपरिमेय संख्याएं थी। आपने एक नया बॉक्स लिया और उसमें ये दोनों की दोनों संख्याएं डाल दी, ठीक है, ये दोनों बॉक्स में ये डाल दिया, और इस नए बॉक्स का नाम क्या हो गया, वास्तविक संख्या। तो अब जितनी भी संख्याएं आपने आज तक पढ़ी है, जितनी भी अभी तक पढ़ी है, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 0, 1/2, 2/3, -3.4, है ना, √2, √3, √7, ये सारी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। परिमेय अलग है, अपरिमेय अलग है, लेकिन उन दोनों को अगर हमने एक जगह जोड़ दिया तो वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। हाँ, वेरी गुड कार्तिक। देवंती, आपको समझ में आया? प्रिंस भी मेरे साथ। ओके प्रिंस, आपको समझ में आया? यस मैम। ओके देवंती, आपको समझ में आया? यस मैम। हाँ जी, गुरदीप की आईडी से किसने ज्वाइन किया, प्रीति ने? यस मैम। प्रीति, आपको समझ में आया वास्तविक संख्याएं क्या होती है? मैम, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया है। अच्छा प्रीति, आपको परिमेय संख्याएं पता है क्या होती है, जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी क्यू पूर्णांक होते हैं, क्यू जीरो के बराबर नहीं होता, प्रीति ये पता है? यस मैम। अपरिमेय पता है, जैसे जो √3, √7, √2, ये अपरिमेय होती है। जब आप इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हो, मतलब एक जगह रख देते हो, वो वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब प्रीति, अब तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है वो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। बस ध्यान रखना, कभी भी आपने अभी तक ये पढ़ा है कि अगर मैं अंडर रूट के अंदर -4 लिखूं, क्या आपने अभी तक ऐसी कोई संख्या पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना। अंडर रूट के अंदर मैंने माइनस वाले नंबर रखकर कभी आपको दिया है क्वेश्चन, या आपने कभी ऐसा किया है? No, नहीं किया ना। No, तो अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, वो हमने वैसे भी नहीं पढ़ा ना, वो परिमेय है ना अपरिमेय है, ठीक है, तो वो वास्तविक संख्या भी नहीं होगी, और ऐसी संख्या हमने पढ़ी भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है कि अब तक आपने जिस तरह की संख्याएं पढ़ी है वो वास्तविक संख्या है। प्रीति, अभी समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, कोई जल्दी में नहीं करेगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, एक मिनट, क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया सबने? देखो मैं एक बार समझा भी देती हूँ, 6 + √25, ठीक है, √25 कैसी संख्या है, परिमेय और वास्तविक या अपरिमेय वास्तविक? वास्तविक तो ये होगी ही, क्योंकि दोनों में वास्तविक आ रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है ये परिमेय है या अपरिमेय है। अब देखो √25 पे थोड़ा सा ध्यान देना और उसके बाद क्वेश्चन करना, जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना। मैं फिर से बोल रही हूँ कि अंडर रूट देखा और आपने सोच लिया कि क्या आंसर होगा, ओके, चार बच्चों ने आंसर कर दिया है, बच्चे मैं फिर से कह रही हूँ √25 को सॉल्व करो। हाँ जी, गुड। चलो प्रीति, आपने नहीं किया, दीपिका और प्रीति आप दोनों रहते हो, कर दिया मैम। ओके आदित्य, आपने करा? यस मैम। दीपिका, आपने कर दिया? चलो अब ध्यान से देखो, देखो चार बच्चों का सही है, चार बच्चों का गलत है, अगर ठीक है, पांच बच्चों का सही है, चार का गलत है। सबसे पहली बात, वास्तविक तो ये बेटा होगी ही, मैंने आपको हिंट भी दिया था कि अंडर रूट 25 पे ध्यान दो। वर्गमूल 25 का मान क्या होता है बच्चों? 5। सभी को आता है ना बेटा वर्गमूल निकालना? यस मैम। वर्गमूल निकालना सबको आता है ना। 11 क्या है, परिमेय या अपरिमेय? 11 क्या है, परिमेय है ना, आप उसे 11/1 लिख सकते हो, तो ये परिमेय और वास्तविक संख्या होगी। जबकि इसी की जगह अगर मैं आपको दे देती 6 + √26, फिर क्या होता ऑप्शन ए या बी? बी। बी होता, क्योंकि आप √26 को वर्गमूल के बाहर नहीं लिख सकते, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कहने का मतलब ये है। जबकि अगर 6 - √100 होता तब क्या होता बेटा, परिमेय अपरिमेय? परिमेय। परिमेय होता, क्योंकि 100 क्या है,
सौ पूर्ण वर्ग संख्या है, सौ को आप सॉल्व करके दस लिख सकते हो। माइनस चार आएगा वो परिमेय संख्या है। अभी समझ में आया किस किस का रॉन्ग हुआ था ये क्वेश्चन? एक बार हैंड रेज करो, किस किस का रॉन्ग हुआ था आप हैंड रेज करो। ओके नीरज आपका कैसे रॉन्ग हुआ? आदित्य अभी समझ में आ गया? नीरज आदित्य ओके अब नहीं नहीं हुआ क्या हुआ आदित्य? रॉन्ग नहीं हुआ था मैम। अच्छा रॉन्ग नहीं हुआ था, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए किसी का भी। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, तब पढ़ लो जब समझ में आ जाए तब बताना मुझे, जिसको आंसर पता लग जाएगा वो बताओ, हैंड रेज करो मतलब। ओके निम्न में से कौन एक वास्तविक संख्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पहले आप हर बार क्या करते हो, सिर्फ ऑप्शन ए देखते हो, अगर आपको लगता है वो सही है तो उसे टिक कर देते हो, या ऑप्शन बी देखते हो, ऑप्शन सी देखते हो। चारों ऑप्शन ध्यान से देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और अब पोल में आंसर पढ़ो। ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, अभी तक किसी का भी रॉन्ग नहीं है। तो जितने बच्चों ने हैंड रेज किया है, जैसे आदित्य, नीरज, कार्तिक, वैवंती, ज्योति, पायल, दीपिका, सुमित, ओके दो बच्चों ने गलत कर दिया मेरे कहने के बाद। चलो सबने आंसर कर दिया है। बेटा वास्तविक संख्याएं क्या होती है मैंने आपको अभी बताया था, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, ठीक है? परिमेय हो अपरिमेय हो, ये दोनों ही किस में आती है? वास्तविक संख्याओं में आती है, ठीक है? ये दोनों ही वास्तविक संख्याओं में आती है। तो मतलब कहने का कि अभी तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है वो वास्तविक संख्याएं। 5.5 परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है। अंडर रूट 5 अपरिमेय है, क्योंकि 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अंडर रूट 5 माइनस 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय है ना। तो देखो जो है वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, वो क्या कहलाती है? वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, रियल नंबर कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ये किसका रॉन्ग हुआ था? Yes, ma'am. ये किसका रॉन्ग हुआ था? दो बच्चों ने गलत किया ये क्वेश्चन, ध्यान से करो। समझ में आ गया ना? कोई अब डाउट तो नहीं है? Yes, ma'am. चलो फिर अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इजी है बट क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा बोर्ड में। दिए गए कथनों में असत्य कथन चुनिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही मतलब देखो जो गलत वाला है ना उसे चुनना है, कभी ये नहीं कि आपको जो लगे कि हाँ वो ठीक है तो उसे ठीक कर दो, जो गलत है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को समझो और फिर करो, जल्दी नहीं करना है, आराम से टाइम लो। जो भी आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा समझो कि आप इसे टेस्ट में कर रहे हो। देखो काफी बच्चों ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। असत्य कथन चुनना है बच्चों, गलत वाला स्टेटमेंट। ओके सबने आंसर कर दिया है, बस तीन बच्चों का ठीक है। आंसर शो करना है, आंसर शो कर देती हूँ मैं। चलो अब देखो ध्यान से, काफी सारे बच्चों ने, तीन बच्चों ने ऑप्शन ए चुना है। बेटा क्या ये किसी भी, बाकी सब में मैं मान सकती हूँ कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, गलत कर दोगे, बट ऑप्शन ए की तो चांस ही नहीं है ना। मैंने अभी अभी भी बताया था ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यही है ना वास्तविक संख्याएं, वो परिमेय संख्याएं ली, अपरिमेय संख्याएं ली,
उनको एक जगह रख दिया और उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, वास्तविक संख्या नाम दे दिया। समझ में आया? तो पहला ऑप्शन तो ठीक है, ठीक है, लेकिन काफी बच्चों ने शायद सत्य पढ़ा इसको। मैंने बार बार इसलिए फोकस भी कहता कि असत्य, गलत वाला स्टेटमेंट चुनना है। अब दूसरा क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 एक पूर्णांक है। क्या ये पूर्णांक है? क्या ये पूर्णांक में आता है? बिल्कुल आता है, तो ये भी ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो ये तो हमें पता ही है, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या, उसे वास्तविक संख्या कहते ही कहते हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत होगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या। देखो, पूर्णांक बिल्कुल अलग चीज हो गई, अपरिमेय संख्या बिल्कुल अलग चीज हो गई। ये चीज समझ में आई? बट काफी सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ है। कंफ्यूज हो अभी भी? देखो, एक आपकी बुक में भी कुछ इस तरह का एग्जांपल है, जैसे ठीक है, ये एक लाइन हो गई, यहाँ से एक बच्चा स्टार्ट होता है चलना, ठीक है, उसके पास एक बैग है, यहाँ पर एक बच्चा है, उसके पास एक बैग है, ठीक है, उसके पास एक बैग है, यहाँ पर नंबर पड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे अनगिनत तक। अब उसने अपने बैग में ये नंबर डाल लिए, उसने अपने बैग में ये नंबर डाल लिए, वो इस बैग को क्या नाम देगा? क्या नाम देना चाहिए उसे इस बैग को? प्राकृतिक संख्या, ये नाम देना चाहिए। Yes, yes, अब आगे चल के उसे जीरो भी मिल गया, आगे चल के उसे अपने बैग में डालने के लिए जीरो भी मिल गया। अब उसे अपना नाम, अब जब हमने इन्हीं संख्याओं में जीरो भी जोड़ दिया, मतलब पहले से इस बैग में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी संख्याएं भी थी, उसमें जीरो भी डाल दिया, तो अब कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? ये पूर्ण संख्या हो गई। तो क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? मतलब क्या इसमें प्राकृतिक संख्या सारी प्राकृतिक एक मिनट नहीं क्वेश्चन बदलती हूँ क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं वाले बैग में है? Yes, ma'am. है ना, क्योंकि हमने कोई भी संख्या निकाली नहीं ना, उस बैग को ऐसे ही रखा, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं थी वो पूर्ण संख्या वाले बैग में चली गई। अब आगे जाके इस बच्चे को ये कुछ माइनस के पड़े हुए नंबर मिल गए, -6, -5, -4, -3 ये नए नंबर मिल गए, उसने ये वाले नंबर अपने बैग में डाल लिए, तो इस पर उसने इसको क्या नाम दे दिया? पूर्णांक नाम दे दिया। अब मुझे बताओ, क्या पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं सारी आ रही थी? क्या सारी पूर्ण संख्याएं इस बैग में चली गई? यस मैम, चली गई ना। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक वाले बैग में चली गई, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भी पूर्णांक वाले बैग में है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्णांक है, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी पूर्णांक है। समझ में आया? पर क्या अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछूं, क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे नई संख्याएं डाली है ना। अब आगे जाके इस बच्चे को क्या मिलती है? एक नई संख्या है, पी बटा क्यू की फॉर्म वाली मिलती है, जैसे 34/4, 1/3, -2/3, -10/9 कुछ इस तरह की संख्याएं मिलती है। अब वो अपने बैग को क्या नाम दे देता है? परिमेय संख्या नाम दे देता। अब उसके बैग का नाम क्या हो गया? परिमेय संख्या नाम हो गया, ठीक है। अब क्या सारे पूर्णांक परिमेय संख्याओं में आ जाएंगे? आ जाएंगे। Yes, ma'am. अब आगे जाके उसको क्या मिलता है? √3, √2, √5 ये सारी संख्याएं मिलती है। जब वो सारी संख्याएं वो अपने बैग में डाल देता है, तो उन्हें वो क्या नाम देता है? अब ये ट्रिक क्वेश्चन है। देखो, इस बैग को अपरिमेय संख्या नाम दिया जाएगा या वास्तविक संख्या नाम दिया जाएगा? वास्तविक। अपरिमेय क्यों नहीं दिया जाएगा? वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड ज्योति। क्योंकि देखो, अब इस बैग में उसने क्या किया? अब इस बैग में उसने, देखो, पहले से उसके बाद सारी परिमेय संख्याएं पहले से थी, पर उसने क्या करा, इस बैग में ये जो अपरिमेय संख्या, ये वाली सारी अपरिमेय संख्याएं, समझ लो ये अलग से एक बैग है, उसमें अलग से अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। उसने जब इस बैग में ये सारी संख्याएं डाल दी, तो वो क्या बन गया? वास्तविक संख्याएं बन गई। वास्तविक, अब इसको क्या नाम दे दिया? वास्तविक संख्याएं।
तो चाहे प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो, सबकी सब क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। पर क्या अपरिमेय संख्याएं प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक या परिमेय संख्या कहलाएंगी? नहीं कहलाएंगी। अपरिमेय संख्या बिल्कुल अलग है, ऐसा समझ लो, ठीक है, बिल्कुल अलग है। उनको जब हमने परिमेय संख्याओं के साथ जोड़ दिया तब वो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। आप सबको समझ में आया? सबको अच्छे से समझ में आया? क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। एक और अब ये क्वेश्चन है, आप देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। पढ़ लिया? ओके सुमित, बस अभी फोन में आंसर कर दो फिर आप लोग। निम्न में से कौन एक वास्तविक संख्या है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखो वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक जितने भी बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, कार्तिक, प्रिंस, कार्तिक और प्रिंस दोनों साथ में हैं, ज्योति, दीपिका, देवंती, नीरज, पायल, सुमित, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। रवि आप रहते हो, आप भी जल्दी से आंसर कर दो। वेरी गुड, सभी ने आंसर कर दिया और सभी का ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे परिमेय संख्या हो चाहे पूर्णांक हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। बिल्कुल ठीक जवाब, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? भूलना मत मतलब, ठीक है, भूलना मत। अब आगे पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वैसे तो हम लोगों ने अभी जब आपके सैट एग्जाम की तैयारी करी थी तो भी ये पढ़ा था, याद है ना? पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर का? यस मैम। है ना, सांत क्या होता है? एक बार बस हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। जिन बच्चों ने अगर वो क्लास नहीं लगाई थी, वैसे सभी ने लगाई थी, बट एक बार इसको दोबारा से समझते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी वास्तविक संख्या उसे हम दशमलव रूप में लिखेंगे और उसका प्रसार किस तरह का होगा। तो दशमलव प्रसार के प्रकार, या अब देखो दो तरह के होंगे। पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। आप तीन बटा, जल्दी से तीन बटा चार को दशमलव रूप में लिखेंगे सारे बच्चे, सभी बच्चे लिखो। ये नहीं कि एक दो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बस जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे आपको खुद से समझ में नहीं आएगा। तीन बटा चार को दशमलव में कैसे लिखा जाएगा? ओके नीरज, नीरज पक्का एक बार चेक करो। 0.3 मैम। ओके एक बार आप भी अपना आंसर चेक करो। पायल, तीन बटा चार। ओके कार्तिक, कार्तिक आप भी एक बार अपना आंसर चेक करो। अगर आप लोगों को याद हो हमने पढ़ा था ना इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका हर कैसा है, दो की घात दो के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। वेरी गुड नीरज। चलो बाकी कार्तिक, पायल और किसी ने नहीं किया, दशमलव में कैसे बदलेंगे? बेटा चार को तीन से भाग, आपने क्या किया होगा? जिन बच्चों का रॉन्ग आ रहा है, पायल आपने ऐसे किया है? Yes, बच्चों ने बेटा चार अंदर क्यों लिखा है? जिन बच्चों ने इस तरह से किया है उनका गलत होगा। कार्तिक आपने बेटा ये मिस्टेक करी होगी, कार्तिक और प्रिंस आपने ये मिस्टेक करी होगी, बेटा चार हर में है, जो हर में होता है उसे बाहर लिखा जाता है ना कि अंदर। तो चार बाहर लिखा जाएगा, तीन अंदर लिखा जाएगा। तीन छोटा है तो जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, हमें यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। चार को सात से गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा, यहाँ बचेगा दो, दशमलव पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर जीरो मिल जाएगी, चार पंचे 30, तो 0.75 आ गया ना। अब आया सबका, एक बार चेक कर लो। ज्योति बेटा, आपका जो, आप लोगों का जो ज्योति, कार्तिक आपका जो 1.3 आ रहा है उसमें आपने मिस्टेक क्या करी है? चार को अंदर लिखा है, जबकि चार बाहर आना चाहिए क्योंकि वो हर में है।
ज्योति समझ में आया? यस मैम। दीपिका, दयावंती, गुड। यस मैम। अब मुझे ये बताओ इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दो अंक है। तो आप गिन पा रहे हो ना, एक दो दो अंक। तो जिसमें आप दशमलव के बाद अंकों को गिन पाते हैं उसे क्या कहते हैं? सार्थ दशमलव प्रसार। जबकि इसकी जगह जल्दी से बताओ दो बटा तीन का दशमलव प्रसार क्या होगा? दो बटा तीन का दशमलव प्रसार लिखेंगे सब बच्चे। आप ध्यान रखना, तीन बाहर आना चाहिए, दो अंदर आना चाहिए। इस तरह से मैंने लो लिख भी दिया है यहाँ पर। जीरो पॉइंट पांच। पायल आपने फिर से सेम मिस्टेक करी है। वेरी गुड नीरज, दीपिका, सुमित, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सब बच्चे बाकी भी करो, खुद से ट्राई किया करो। यस पायल, मिस्टेक पता चली? यस मैम। जीरो दशमलव यहाँ पर जीरो लगाएंगे, छह अठारह, फिर शेषफल दो बचेगा, फिर जीरो लगा देंगे, फिर छह, और ये प्रोसी, ये क्या कभी भी शेषफल जीरो आएगा? कभी भी शेषफल जीरो नहीं आएगा। तो ये जीरो क्या, अब आप इसको लिखो क्या, जीरो दशमलव छह 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 छह, क्या दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे वो गिन सकते हो? नो मैम, नहीं गिन सकते। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है, जिन्हें आप नहीं गिन सकते हो, जिसमें शेषफल जीरो नहीं आता है, उस दशमलव प्रसार को आप अशांत कहते हो। पहले दो चीजें पता चल गई, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। यस मैम। यस मैम। सभी को, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? दयवंती समझ में आया? रवि? यस मैम। ठीक है, अब होगा क्या, अब अशांत भी दो तरह का होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 0.6 में क्या हो रहा है, छह बार बार रिपीट हो रहा है, छ छ छ छ छ। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? अशांत आवर्ती है। हाँ, तो ये अशांत आवर्ती होगा जिसमें क्या होगा, जो आपके अंक है वो बार बार रिपीट होंगे। वो जरूरी नहीं है एक अंक रिपीट हो, वो 0.23 23 23 इस तरह हो सकता है। ठीक है, 0.41414414 इस तरह का हो सकता है अशांत आवर्ती। तो मतलब कहने की बात है कि कोई अंक होगा वो बार 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 रिपीट होगा। ऐसे एक एक एग्जांपल सब लिखो अशांत आवर्ती का, अशांत आवर्ती का जिसमें अंक क्या होंगे, बार बार अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अंकों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, अंक बार बार रिपीट होंगे। सभी एक एक एग्जाम्पल लिख दो कोई भी। जैसे मैंने लिखा 0. वेरी गुड दीपिका, 0.8888 इसमें 8 रिपीट हो रहा है, वेरी गुड। और बच्चे कुछ भी लिख दो, वेरी गुड कार्तिक, कार्तिक ने लिखा है 7.25252525, तो इसमें 25 रिपीट हो रहा है। नीरज ने 0.55 लिखा है, सुमित ने 0.99, दयावंती ने 0.44, तो ये अशांत आवर्ती कहलाएंगे। वेरी गुड पायल ने 0.222 लिखा है। जबकि इसी की जगह अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें अंक रिपीट नहीं हो रहे, 0.23456981023, मतलब जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, होगा तो वो अशांत। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद संख्या फिक्स नहीं है अंकों की। तो वो वेरी गुड कार्तिक, नीरज, इन लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखे है। देखो आप इनके एग्जाम्पल, सभी बच्चे इस तरह के लिख भी दो, वो नंबर रिपीट होंगे ही नहीं, तो वो अशांत अनावर्ती कहलाएंगे। सब एक एक एग्जाम्पल इसका भी दे दो, जैसे कार्तिक ने लिखा है, नीरज ने लिखा है, वेरी गुड दयावंती, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड दीपिका। बस इसमें ना आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, आगे डॉट 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 लगाना, क्योंकि ये कभी भी रुकेगा नहीं, है ना। अगर आप डॉट नहीं लगाते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अंक यहाँ पर खत्म हो गए। हमेशा याद रखना डॉट 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 आना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो सर, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से क्विक रिविजन देती हूँ। शांत दशमलव प्रसार के एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे पांच है। तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन्हें आप गिन पा रहे हो। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को आप शांत दशमलव प्रसार कहो लो।
ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो शेषफल भी इसमें क्या आता है, जीरो आता है। अगर हम तीन को चार से भाग करेंगे तो 0.75, यही क्वेश्चन भी हमने किया था, है ना। अब 7 दशमलव प्रसार में जो है शेषफल जो है वो आ जाता है, शेषफल जीरो हो जाता है। तो 7 दशमलव प्रसार में किसी को कोई डाउट है, ये तो इजी सा है। दशमलव के बाद सिर्फ अंकों की संख्या गिननी है, सभी को क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद अशांत दो तरह का होता है। अशांत का सबसे पहला डेफिनेशन क्या होगा, अशांत का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आप दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है। लेकिन अशांत के फिर दो प्रकार होंगे। एक तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती में अंकों की पुनरावृत्ति होगी। जैसे अगर आप 10 को 3 से भाग करते हो तो 3 दशमलव, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल किए, 1/7 को भाग करते हो तो 0। अब देखो जरूरी नहीं है कि एक अंक रिपीट हो, 2 अंक रिपीट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 6 अंक है, और इसके बाद अगर आप चेक करोगे यही अंक रिपीट होंगे, यही अंक। तो यहाँ पे 6 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जरूरी नहीं है एक ही अंक हो, 2 अंक हो, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो अशांत आवर्ती क्या कहलाएंगे, जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अब इनको हम देखो बार बार तो इस तरह नहीं लिख सकते ना, 0, 3, 3, 3 कितनी बार लिखे। हम क्या करेंगे, जो अंक रिपीट हो रहा है उसके ऊपर इस तरह से बार लगा देंगे। क्या कहते हैं इसको, बार कहते हैं। जो भी अंक बार बार रिपीट होगा उसे बार कहेंगे। जैसे अगर 2.23, 2.23, 2.23 आ रहा है तो 2.23 के ऊपर बार लगा देंगे। इससे हम समझ जाएंगे कि 2-3 बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। चलो फिर उसके बाद आता है अशांत अनावर्ती। अब अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, उसे अशांत अनावर्ती कहा जाता है। अब बाकी एग्जांपल तो आपको समझ में आ गए होंगे। एक है पाई। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन जो काफी बच्चों को हो जाता है। अब मुझे बताओ कि पाई कैसी पाई क्या हुआ यहाँ पे, पाई का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हुआ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि 22/7 हमने पढ़ा है, हम 3.14 लेते हैं, इसका पाई का मान क्या लेते हो आप, 3.14 भी लेते हो ना, याद है 3.14 लेते हैं। तो 3.14 तो अब आप कहोगे कि कैसा है, शांत है। ये माइंड में आ रहा होगा कि 3.14 तो शांत है, बट यहाँ पे लिखा है कि पाई का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आप अपने क्वेश्चंस करने के लिए पाई का मान लेते हो वो पाई का लगभग अप्रोक्स वाला मान होता है। आप इतना बड़ा पाई की जो आगे लगभग पाई की कोई गिनती नहीं है, आगे तक अंकों की संख्या जो है सीमित नहीं है, ठीक है। ये अंकों की 3.14 लगभग 50-60 अंक तक आगे चलता जाएगा और उसके आगे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हम क्वेश्चन करने के लिए पाई की वैल्यू लेते हैं वो बस इसके शुरू के 3 या 4 अंक ले लेते हैं, वो लगभग वाली वैल्यू होगी। ये समझ में आया, कभी ये मत सोचना कि 3.14 भी फिर अशांत अनावर्ती होगा, पाई का मान अशांत अनावर्ती होगा। समझ में आ गई ये बात? यस मैम। ठीक है, तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है उनका दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। जबकि जो परिमेय संख्याएं होती है उनका कैसा होगा, या तो शांत होगा या फिर कैसा होगा बच्चों, अशांत आवर्ती। वेरी गुड, या तो अशांत आवर्ती होगा। उन्हें हम p/q परिमेय संख्याएं जो है उनका जो दशमलव प्रसार है वो या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। जैसे आपको पता ही है अगर आपने 2 को 5 से भाग किया, ठीक है, तो 0.4 आएगा। ये परिमेय संख्या थी, तो कोई भी परिमेय संख्या शांत रूप है तो आप उसे, जैसे अगर आपको दशमलव प्रसार क्या दिया गया है, 0.4 दिया गया है, उसे आप 4/10 लिख सकते हो, परिमेय संख्या लिख सकते हो। कोई भी 7 दशमलव प्रसार दिया गया हो लिख सकते हो परिमेय संख्या, लिख सकते हो ना बच्चों। जैसे 3.25 है, इसको लिख सकते हो 325/100, लिख सकते हो ना। यस मैम। तो जो 7 दशमलव प्रसार होता है वो किसका होता है, परिमेय संख्याओं का, और अशांत आवर्ती भी किसका होता है, परिमेय संख्याओं का। जबकि अपरिमेय संख्याओं का कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। समझ में आया? अब मुझे बताओ जो पाई है वो कौन सी संख्या हुई फिर, अपरिमेय। पाई जो है वो कौन सी संख्या हुई,
अपरिमेय संख्या हुई, क्यों? क्योंकि उसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत अनावर्ती है। वेरी गुड, अशांत अनावर्ती है। जबकि 22/7, पाई का मान 22/7 भी तो होता है, लेकिन ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय की परिमेय, ये परिमेय है। तो कंफ्यूज मत होना कि 22/7 तो परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय, क्यों? क्योंकि ये इसकी क्या है, लगभग वाला मान है, ये इसका अप्रोक्स वाला मान है। ये बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि पाई का बिल्कुल एग्जैक्ट मान हो, जैसे 3.14 इसका लगभग वाला मान है, तो ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। तो अगर मैं कहूँ कि अंडर रूट 5, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अंडर रूट 5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर सारे बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन पहले पढ़ लो। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 0.586 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो ये सबका ठीक होना चाहिए। वेरी गुड, बात चार बच्चों ने कर दिया है और उनका बिल्कुल ठीक है। बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं पता चल रहा है तो पूछ लिया करो, ठीक है? ठीक है, 5 बच्चों ने ही आंसर किया है। ज्योति सबने कर दिया, ज्योति आप रहते हो बेटा आंसर करने से। चलो सबने कर दिया, बट 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है बेटा। मुझे समझ नहीं आया कि आपको समझ में नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम आई है? कौन सा होगा बेटा ये, गिनो इसके बाद अंकों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3। आप गिन पा रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हुआ? शांत दशमलव प्रसार हुआ। समझ में आया? किस किस का रॉन्ग हुआ था बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? जबकि इसी की जगह अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल के क्या कर दूं, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को लिख रही हूँ 0.586 बार। अब ये कौन सा, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी मैम। पक्का? कार्तिक? बी मैम। कार्तिक आप बताओ? बी मैम। दीपिका? देवंती मैम। ऐसा देवंती, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी होगा ठीक, है ना? आसान आवर्ती। जबकि इसी को मैं क्या लिखूं, 5, 8, 6, 7, 9, 2, 0, 8 इस तरह से करके लिख दूं, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी होगा। हाँ, अब मुझे एक और बात बताओ कि जो 0.586 है ये परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? सारे बच्चे, ये परिमेय होगी या अपरिमेय? परिमेय होगी। वेरी गुड, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और दूसरी बात ये भी हमें पता है कि आप इसे 586/1000 लिख सकते हो, जो एक परिमेय संख्या है। और अगर मैं 0.586 के ऊपर बार की बात करूं, ये परिमेय होगी या अपरिमेय? अपरिमेय। एक बार फिर पूछो। परिमेय होगी बेटा, बार लगाया मैंने ऊपर, ये भी परिमेय होगी, है ना? ये भी परिमेय होगी। हमेशा याद रखो, शांत और अशांत आवर्ती, ये दोनों परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होंगे, जबकि जो अशांत अनावर्ती होगा केवल वो अपरिमेय संख्याओं का होगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको नहीं भूलनी है, आपके काम भी आएंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो सबको समझ में आया शांत अशांत अशांत अनावर्ती क्या होता है? Yes, ma'am. एक बार आज इसको अच्छे से रिवाइज भी करना, कल हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? और सब आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं पहले।